साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा है कि अदालत इलेक्शन के दिन पूरे करने के लिए कुछ वक्त दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत होगी। वो न्यूज़ के प्रोग्राम तज़िया में गुफ्तगू करते हुए अनवर मंसूर एडवोकेट ने कहा कि अदालती फैसले पर अमल ना करने वालों को सजा भुगतना पड़ेगी। कोर्ट मामला रहा है तो वो ये कह भी सकते हैं कि चूंकि कोर्ट के अंदर मामला डिस्प्यूट नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उतने दिन हम जो है वो कंडोन कर देते हैं। तो अगर 90 डेज का जो इश्यू है वो कंडोनेशन में आ सकता है, मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उतने दिन एक्स्ट्रा सिर्फ मिल सकते हैं कि जितने दिन वो डिले हो गया है, अगर कोई डायरेक्शन या ऑर्डर पास कर दिया जाए जो कि सुपीरियर कोर्ट करती है तो उसको अगर माना ना जाए तो वो कंटेम्प्ट होती है, उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट भी है, और अगर इम्प्रिजनमेंट होती है तो जिन जिन की इम्प्रिजनमेंट होती है वो किसी गवर्नमेंट ओहदे पर नहीं रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तंकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।